रेगुलर भिंडी आप जब घर में बनाते हैं ना, तो हर तरह से लोग नए नए तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल नए नए तरीके से बनती है, बिल्कुल अलग अलग तरीके से हर घर में बनती है। मैं लेके आया हूँ आज दही वाली भिंडी, अमेजिंग टेस्ट है दोस्तों इसका। अगर आपने इसको एक बार बना के खा ली ना, तो आप है ना रेगुलर भिंडी बनाना भूल जाएंगे। कोई भी भिंडी आपके घर के अंदर बनती होगी ना, सारे तरीके आप भूल जाएंगे और इसी तरह की भिंडी आप बनाएंगे। अमेजिंग टेस्ट है, शानदार टेस्ट है। बनाना कैसे है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए आधा किलो भिंडी। जी हाँ, भिंडी को पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया और धोने के बाद पोंछ लिया है। जी हाँ, और भिंडी कोशिश करके कच्ची भिंडी लीजिए, पकी भिंडी हो तो उसको निकाल दीजिएगा। तो बस इसको मैंने पोंछ लिया। पोंछना बहुत ज़रूरी है, भिंडी के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिएगा। पानी होगा ना तो भिंडी आपकी लिसलिसी सी बनेगी, चिपचिपी सी बनेगी, वो मज़ा नहीं आएगा। बस भिंडी को इस तरह से ऊपर नीचे का पार्ट काट के और इस तरह से कट लगा लीजिए। देखिए कट में क्या होगा, मसाला अच्छी तरह से भरेगा। बड़ी भिंडी हो तो इसमें ऊपर नीचे का पार्ट काट के इस तरह से कट लगा के और दो पीस कर लीजिए। मैं इस तरह से पीस कर रहा हूँ, आप जैसे चाहें वैसे पीस कर सकते हैं इसके। तो ये देखिए मैंने भिंडी के इस तरह से सारे पीस कर लिए। अगर आप छोटी भिंडी काटना चाहें तो छोटी भिंडी भी काट सकते हैं, लेकिन स्वाद चाहिए हमें तो, भिंडी का शेप कोई भी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस बनाते हैं कुछ मसाला। जी हाँ, मसाले में मैं ले रहा हूँ 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इसका कलर बहुत अच्छा आता है, तीखापन नहीं होता है इसके अंदर। 1 टेबल स्पून ले रहा हूँ इसके अंदर धनिया पाउडर, और इसके बाद ले रहा हूँ इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून ले रहा हूँ नमक। जी हाँ, बाकी स्वाद के अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये मसाले को हम पानी के अंदर भिगोएंगे। जी हाँ, पानी के अंदर भिगोने का मतलब क्या होता है कि मसाला अगर सूखा डालेंगे ना आप, तो कई बार क्या होता है सूखी सब्जी बना रहे होते हैं ना, तो मसाला हमारा जल जाता है और सब्जी हमारी काली हो जाती है, वो टेस्ट नहीं आता। पानी में भिगोने के बाद मसाले को आप डालेंगे ना तो उसका टेस्ट अमेजिंग आता है, और मैंने कई वीडियो में बताया इस चीज़ के बारे में आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले रहा हूँ और सरसों का तेल डाल रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में इस भिंडी को जो बनाएंगे ना, तो ये भिंडी इतनी शानदार बनती है, इसकी हद नहीं है। बाकी आप चाहें तो नॉर्मल तेल भी ले सकते हैं। तेल को, सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो ये भिंडी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे फ्राई करना है। जी हाँ, शैलो फ्राई जिसे बोलते हैं ना भिंडी को। भिंडी को आप फ्राई करके बनाएंगे ना, उसका टेस्ट हमेशा अमेजिंग होता है। और ये सब्जी मैं लेके आया हूँ ना, ये आपको इतनी अमेजिंग लगेगी जिसकी हद नहीं है। बिल्कुल नए तरीके से लेके आया हूँ और इसको फ्राई करना है भिंडी को, कम से कम 5 से 5 मिनट के आसपास। 5 मिनट तक मैंने इस भिंडी को फ्राई किया, देखिए इसमें कलर भी आ चुका और भिंडी हमारी 80% तक पक चुकी है। और जो टेस्ट आएगा ना इसको फ्राई करने के बाद, कोई भी भिंडी आप बनाएं चाहे इस तरह से बनाएं, लेकिन फ्राई जरूर करिए उसको, तब देखिए उसका फ्लेवर। कोई कच्ची भिंडी बनाते हैं ना तो उसका मज़ा नहीं आता। तो भिंडी हमने निकाल ली और इसमें 1 बड़ा चम्मच और सरसों का तेल डाल रहा हूँ। वेजिटेबल ऑयल तो उससे बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरसों के तेल में बनाएंगे ना तो मज़ा लगाएगा। तेल जब गर्म हो जाए तो 1 टीस्पून जीरा और 4 मैंने इसमें हरी मिर्ची ली है, थोड़ा तीखापन देने के लिए, क्योंकि हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली थी तो वो तीखी नहीं होती है, कलर देती है। और बस इसे भूनना है कम से कम 30 से 40 सेकेंड। जी हाँ, 30 से 40 सेकेंड इसे भूनना है। तो ये जीरा हमारा चटक चुका है और हमारी हरी मिर्ची है ना वो पक चुकी है। जी हाँ, तो 30 से 40 सेकेंड मैंने इसे भूना था। अब इसमें डाल रहा हूँ मैं प्याज, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। और कौन से शहर से वीडियो देख रहे हैं दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसे भूनना है लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं भूनना, वरना भिंडी में इसके अंदर जो अगर आपने ज़्यादा भून लिया ना प्याज को, जिसमें कड़वापन आ जाएगा, तो लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक ही इसे भूनना है। तो देखिए इस तरह का मैंने भूना है, लाइट गोल्डन ब्राउन, हल्का हल्का सा कलर आया है, लेकिन इसे मैंने डार्क नहीं किया प्याज को। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी में करना है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और वीडियो में शेयर जरूर कर देना, कई लोगों को फायदा होगा कि किस तरह की रेसिपी आप लोग देख रहे हैं उनको भी देखने को मिलेगी। तो बस 1 टीस्पून डाल रहा है इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। जी हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और अदरक लहसुन नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लेवर वही आएगा। तो बस इसे ही भूनना है हमें 30 से 40 सेकेंड, और बस 30 से 40 सेकेंड इसे भूनेंगे। कई लोग बोलते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट आप बोलते हैं कि पक गया, अब पकने का तरीका कैसे मालूम पड़ता है? मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे भूना, देखिए अगर अदरक लहसुन पकने का तरीका बताऊं, ये देखिए कढ़ाई के ऊपर चिपक रहा है ना बर्तन में, अगर आपका अदरक लहसुन का पेस्ट चिपक रहा है इस तरह, अब थोड़ा थोड़ा येलो टाइप हो गया, ब्राउनिश टाइप हो गया ना, तो समझ लीजिए अदरक लहसुन का पेस्ट पक चुका है, इसीलिए लोग पूछते थे, मैंने उनको बता दिया। तो इसके बाद डालेंगे हमारे भीगे हुए मसाले। जी हाँ, पानी में भिगा के डालते ना, अगर सूखे मसाले आप यहाँ डालते ना तो मसाले आपके जलते और सब्जी आपकी हो जाती काली, और कई बार देखना आप काली ऊपर जाती है। मसाले को अच्छी तरह से भूनना है 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर, कि मसाले में तेल छूट जाए, अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट पकाया है इसको, मसाले ने तेल छोड़ दिया है और अच्छी तरह से पक चुका है, ड्राई भी हो चुका है, सूखा भी हो चुका है। ये मसाला अच्छी तरह पकेगा ना तो आपकी कोई भी सब्जी होगी ना वो बहुत अच्छी बनेगी। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ
एक कटोरी दही। जी हाँ, दही आप कोई सा भी ले सकते हैं, खट्टा मीठा जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं, खट्टा दही भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दही को मीडियम फ्लेम पे पकाना है रेगुलर चलाते हुए। अगर आपने रेगुलर नहीं चलाया ना तो दही बहुत ज़्यादा खटाई छोड़ देगा, फिर आपकी सब्जी खराब हो जाएगी, फिर आप बोलोगे सिंह भाई आपने बताया नहीं। 2 से 3 मिनट वैसे भून रहा हूँ मीडियम फ्लेम के ऊपर दही को, तो दही के दही भी अच्छी तरह से भून चुका है और दही ने भी ऑयल छोड़ दिया, मसालों ने ऑयल छोड़ दिया, मतलब परफेक्ट हमारा जो मसाला था ना वो हमारा बिल्कुल बन चुका है। अब हमें कोई टेंशन नहीं इसकी तो है नहीं कि मसाले की। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे हमारी ये भिंडी, ये हमने भून के रखी थी ना, तो भिंडी जो शैलो फ्राई करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। कट हमने इसलिए लगाया था कि भिंडी के अंदर मसाला अंदर तक अच्छी तरह से चले जाए, इसलिए हमने कट लगाया था भिंडी के अंदर। तो बस अब इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन लगा के कम 5 से 7 मिनट पकाएंगे, लेकिन बीच बीच में चेक जरूर करते रहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा स्लो फ्लेम के ऊपर। स्लो फ्लेम पर मैंने 5 से 7 मिनट पकाया, ये देखिए अब भिंडी का टेक्स्चर आप देखिए, दही वाली हमारी जो भिंडी थी ना बिल्कुल परफेक्ट होकर तैयार हुई है। इसके ऊपर डाल रहा हूँ मैं हरा धनिया, आप चाहें तो डाल सकते हैं, कई लोग बोलते हैं हमारा धनिया नहीं डालते, लेकिन मेरा तो फेवरेट है भैया इसलिए मैं डाल रहा हूँ। और ये हमारी दही वाली भिंडी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, इसे आप रोटी पराठे नान के साथ जिसके साथ खाना चाहें उसके साथ खा सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अच्छा लगा मेरा वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करेगा। नई रेसिपी नए वीडियो के साथ वापस आ जाता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।